नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपनो हार्दिक स्वागत है। धोरण आठ विषय हिंदी काव्य एक तेरी है जमी जेनो साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। जे विद्यार्थी पासे पाठ्यपुस्तक न हो ते समयसर लई लीए अने जे विद्यार्थी पासे पाठ्यपुस्तक छे ते पाठ्य में पेज नंबर एक खोली ने तैयार राखे। तो आ प्रार्थना गीत है तो सौ प्रथम आपणे आ गीत छे गासु, तमारे पण साथे आ गीत गावानुं छे। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन विद्यार्थी मित्रों, आ कविता तमे सांभळी अने साथे गायन पण करेलू। तेरी है जमीन, आ तारी ज जमीन छे, आ तारी ज धरती छे, ईश्वरने संबोधीने अहीं कहेवामां आवेलू छे। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है कि अहीं रजू करवामां आवेली कविता ए प्रार्थना गीत छे जेनो साहित्य प्रकार छे प्रार्थना गीत, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त हुआ है कि जेमां ईश्वर नी तरफ थी जे कृतज्ञतानो जे भाव छे ए अहीं रजू करवामां आवेलो छे। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है अने साथे साथे ईश्वर ज बधुं ज छे एवो भाव अहीं रजू करवामां आवेलो छे कि जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। कि तमे जोयुं हशे कि ज्यारे व्यक्ति छे ई संकटमां फसाई जाता होय छे अने एमांथी बहार निकळवानो एमने रस्तो नथी मळतो, कोई उपाय मळतो नथी, त्यारे तेने ईश्वरनी याद आवे छे। त्यारे ते मंदिरे जईने भगवान पासे पोतानी तकलीफ पोतानी मुसीबत दूर थाय एना माटे ईश्वरनी प्रार्थना करता होय छे। एटला माटे कीधुं तब हमें ईश्वर की याद आती है। सर्वशक्तिमान और दयालु है ईश्वर ने
અહીં કહેવામાં આવેલું છે, ભગવાનને કહેવામાં આવેલું છે કે ભગવાન તો સર્વશક્તિમાન છે અને દયાળુ પણ છે, કે હે ઈશ્વર તું તો સર્વશક્તિમાન ઓર દયાળુ હો, વહ હમે મુસીબત સે અવશ્ય છુટકારા દિલા સકતા હૈ. અને વ્યક્તિને એવો વિશ્વાસ છે કે ભગવાન છે, ઈશ્વર છે, એને આ મુસીબતમાંથી ચોક્કસ આ મુસીબતમાંથી બહાર લાવી આપશે. तेरे ही जमी इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है. अहीं जे काव्य आपवामां आवेलुं छे तेरी ही जमी, आ प्रार्थना में ईश्वर तरफनो जे विश्वास छे ए अहीं रजू करवामां आवेलो छे. तो सौ प्रथम आपणे तेरी ही जमी तेरा आसमान शब्द जोशुं. तो प्रथम पंक्ति में जमी शब्द आपवामां आवेलो छे, तो जमीनो अर्थ थशे जमीन. ईश्वर ने संबोधी ने कहे छे कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी ही है. तेरा आसमान, आसमान यानी आकाश, गगन, नभ. प्रथम पंक्ति है तेरी है जमी तेरा आसमान, इसका अर्थ होता है हे ईश्वर यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है. तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर. મહેરબાનો અર્થ થશે અહીં કૃપાલુ, દયાલુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીં સાથે પેન્સિલથી શબ્દાર્થ તમે લખી શકો છો કે જમીનનો અર્થ થશે જમીન, આસમાનનો અર્થ થશે આકાશ, મહેરબાનો અર્થ થશે કૃપાલુ અથવા દયાલુ, બક્ષિશ કર, બક્ષિશ એટલે ક્ષમા. ઈશ્વર પાસે ક્ષમા માગે છે, માફી માગે છે કે તું તો દયાળુ છો, તું અમને માફ કરી દે. પ્રથમ બે પંક્તિમાં કહેવામાં આવેલું છે કે હે ઈશ્વર યહ સારી ધરતી તુમારી હે ઓર યહ આકાશ ભી તુમારા હે, તુમ બડે દયાલુ હો, તું બડા મહેરબા, મહેરબા યાની દયાલુ. ઈશ્વર કો સંબોધિત કરતે હુએ કહેતે હૈ કે હે ઈશ્વર તુમ તો બડે દયાલુ હો, હમારે અપરાધો કે લીએ તુમ હમે ક્ષમા કરના, બક્ષિશ કર યાની ક્ષમા કર. મનુષ્ય હે વો ઈશ્વર પાસે ક્ષમા માગતા હૈ કે હમારે અપરાધો કે લીએ તુમ હમે ક્ષમા કર દો, તુમ તો બડે હી દયાલુ હો. સભી કાહે તું સભી તેરે, ઈશ્વર સે મનુષ્ય કહેતા હૈ કે તુમ સબ કે હો, કોઈ કિન્હી એક વ્યક્તિ કે નહીં હો, તુમ સબ કે હો ઓર સબ તુમારે હૈ, કે તું બધાનો છે અને બધા તારા છે. તેરી મરજી સે એ માલિક, અહીં પ્રથમ ત્રણ પંક્તિમાં કહેવામાં આવેલું છે કે હે ઈશ્વર યહ સારી ધરતી તુમ્હારી હૈ ઓર યહ આકાશ ભી તુમ્હારા હૈ, તુમ બડે દયાલુ હો, હમારે અપરાધો કે લીએ તુમ હમે ક્ષમા કરના, તુમ સબકે હો ઓર સબ તુમ્હારે હૈ, ઈશ્વર છે બધા માટે છે, બધાનો છે અને બધા ઈશ્વર માટે છે. હે ઈશ્વર તુમ હમે ક્ષમા કરના, ખુદા મેરે તું બક્ષિશ કર. ખુદા યાની ઈશ્વર, ભગવાન, સ્વામી, માલિક. ખુદા યાની ભગવાન, ઈશ્વર. ખુદા મેરે એટલે હે ઈશ્વર તું બક્ષિશ કર, હમે ક્ષમા કર, હમે માફ કર દે, જે અમે અપરાધો કર્યા છે એની તું અમને માફી આપી દે. પ્રથમ ચાર પંક્તિમાં જોયું કે આ ધરતી ઈશ્વરની છે, આ આકાશ પણ ઈશ્વરનું છે, અને ભગવાન છે, ઈશ્વર છે, એ ખૂબ જ દયાળુ છે અને પોતાની જે મનુષ્ય છે જે ગુનાઓ કરે છે, અપરાધ કરે છે, એ ક્ષમા પણ કરી દે છે. એટલા માટે કહે છે કે ઈશ્વર છે એ બધા માટે છે અને બધા ઈશ્વર માટે છે. હે ઈશ્વર તમે અમને માફી આપી દો, ક્ષમા કરી દો. ત્યાર પછીની પંક્તિ છે તેરી મરજી સે એ માલિક હમ ઇસ દુનિયા મેં આયે હે. મરજી યાની ઈચ્છા. તેરી મરજી સે એ માલિક, માલિક યાની સ્વામી, ઈશ્વર ભગવાનને સંબોધીને કહે છે. મરજી યાની ઈચ્છા, તમે પેન્સિલથી સાથે શબ્દ લખી શકો છો. મરજી યાની ઈચ્છા અને માલિક યાની ઈશ્વર, સ્વામી, ભગવાન.
हम इस दुनिया में आए हैं कि भगवान ने कहे से कि तारी इच्छा थी हे ईश्वर हे भगवान अमे तारी इच्छा थी आ दुनिया में आया छे हम इस दुनिया में आए आ दुनिया पर आ पृथ्वी पर अमे आया छे हे दुनिया के मालिक तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है आज बे पंक्तियों से खुदा मेरे तू बख्शिश कर तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं कहवानो अर्थ ये कि हे दुनिया के मालिक हे ईश्वर तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं हमारा जन्म हुआ है तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जहाँ पाए हैं रहमत रहमत यानी कृपा जिस्म यानी शरीर रहमत नो अर्थ थसे कृपा हम सबने के तारी कृपा हमारी ऊपर छे ये जिस्म ओ जहाँ पाए है जिस्म यानी शरीर अने जहाँ यानी प्राण जिस्म ओ जहाँ एटले शरीर अने प्राण छे त्यार पछीनी बे पंक्ति छे तेरी रहमत से हम सबनी ये जिस्म ओ जहाँ पाए है कि तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं तुम्हारी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं तू अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना ईश्वर ने प्रार्थना करे छे नज़र यानी कृपा दृष्टि आपणे कई घणी वार कि हे ईश्वर तमारी कृपा दृष्टि अमारे पर बनावी राखजो ई प्रकारे कहे छे नज़र यानी कृपा दृष्टि हम पर रखना किस हाल हाल यानी दशा स्थिति में कि अमे कई परिस्थिति में जीवी रहिया छे एनू तू ध्यान राखजे खबर रखना ध्यान राखजे त्यार पछीनी बे पंक्ति है तू अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना हम किस हालत में है किस स्थिति में है इसकी हमेशा खबर रख रहा है ईश्वर ने संबोधी ने कहे छे कि हमें कई परिस्थिति में जीवी रहिया छे तू हमेशा हमारी खबर राखजे तारी कृपा दृष्टि छे ये हमेशा हमारी पर राखजे तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे आ पंक्ति में कह्यू छे हे ईश्वर तुम चाहो जो तारी इच्छा हसे तो अमे जीवसू अने जो तारी इच्छा नहीं होय तो अमे मारी नाखशे हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रखो तुम चाहो तो हमें मार डालो तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रखो तुम चाहो तो हमें मार डालो तेरे आगे झुका के सर खड़े है आज हम सारे सर यानी सिर मस्तक के अमे आजे परिस्थिति एवी कपरी बनी छे कि अमे तारी पासे अमारू माथू छे अमारू शीश छे ये झुकावीए छे आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े है हम तुम्हारी शरण में है कहवानो अर्थ ए छे ईश्वर ने के हम तुम्हारी शरण में है तेरे आगे झुका है सर खड़े है आज हम सारे आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं ओ सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले आफत यानी संकट मुसीबत टालना यानी दूर करना ईश्वर ने कहे छे हे सर्वशक्तिमान तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है भगवान ने कहे छे तू तो शक्तिमान छो जो तारी इच्छा हसे तो अमारी पर जे मुसीबत आवेली छे ए दूर थई शकशे जे आ पंक्ति छे के तू चाहे तो हमें रखे आफत टले त्यां सुधी हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रखो तुम चाहो तो हमें मार डालो आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं हे सर्वशक्तिमान तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है कि आज परिस्थिति तमे जोई रहिया छो कोरोना काल चाले छे अने परिस्थिति विकट बनी रही छे त्यारे आपणे ईश्वर पासे आपणे आपणी जे
गुनाओ कर्या छे, अपराध कर्या छे, एनी क्षमा मांगवानी छे। अने ईश्वर छे ए तो खूब ज दयाळु छे, ए माफी पण आपी देशे। अने प्रार्थना करवानी छे आजे परिस्थिति ने अनुरूप, आजे प्रार्थना गीत छे ए बिल्कुल परिस्थिति ने अनुरूप ज छे के आजे पण आपणे आ परिस्थितिमांथी बहार जो कोई लावी सके ए छे मात्र ने मात्र ईश्वर। एने संबोधीने कीधुं छे कि अमे कई परिस्थितिमां जीवी रह्या छे एनी तू खबर राखजे, अने तारी जे कृपा दृष्टि छे ए अमारी पर हमेशा राखजे, એ અહીં કહેવામાં આવેલું છે। તો અહીં આ કાવ્ય પૂરું કરી છે, ત્યાર પછીનો જે અભ્યાસક્રમ છે, સ્વાધ્યાય છે, એ આપણે હવે આવતા વિડીયોમાં જોશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।